नमस्कार प्यारे बच्चों, अब आप इस विषय के वीडियोस एक साथ भी देख सकते हैं। इसके लिए वीडियो के नीचे मेरी चैनल का नाम है, तो चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इस विषय के वीडियोस एक साथ देख सकेंगे। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था हिंदी कक्षा 6 का पाठ नंबर 7। पाठ का नाम था यह भी एक परीक्षा। आज के वीडियो में हम इस पाठ का अभ्यास सीखेंगे। अभ्यास में सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, देवेंद्र ने परीक्षा होने के बावजूद भी भिखारी की मदद क्यों की? तो उसका जवाब है, भिखारी के पांव में गहरी चोट लगी थी, उसमें से खून बह रहा था, उसे अस्पताल पहुंचाना जरूरी था। देवेंद्र के लिए मानव की सेवा सबसे पहला कर्तव्य था। इंसान की सेवा ही उसकी दृष्टि में सबसे बड़ा धर्म था। इसलिए परीक्षा होने के बावजूद उसने भिखारी की मदद की। दूसरा प्रश्न है, प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के पिता को बधाई क्यों दी? तो उसका जवाब है, देवेंद्र मेघावी विद्यार्थी था, स्कूल की परीक्षा में उसका पास होना निश्चित था। इसके साथ ही उसने बूढ़े भिखारी की सहायता की थी। अपनी परीक्षा के बावजूद उसने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया था। इस तरह वह इंसानियत की परीक्षा में भी पास हो गया था। सचमुच देवेंद्र एक होनहार सपूत था, इसलिए प्रधानाध्यापक ने उसके पिता को बधाई दी। तीसरा प्रश्न है, क्या देवेंद्र ने जो किया वह सही किया क्यों? तो उसका जवाब है, भिखारी के प्रति मानवता दिखाकर देवेंद्र ने बहुत सही काम किया था। भिखारी अंधा, बूढ़ा और अपाहिज था। घायल होने के बाद वह पूरी तरह असहाय हो गया था। अगर देवेंद्र उसे अस्पताल में भर्ती न कराता तो पता नहीं उसकी क्या दशा होती। इंसान की सेवा व्यक्ति का सबसे बड़ा और सबसे पहला कर्तव्य और सबसे बड़ा धर्म है। देवेंद्र ने इसी कर्तव्य और धर्म का पालन किया था, इसलिए उसने जो किया वह सही किया था। आगे का प्रश्न है, लिंग के आधार पर वाक्य सही या गलत? अगर वाक्य गलत है तो सुधार कर दोबारा लिखिए। अब यह वाक्य जो दिए गए हैं उसकी लिंग देखकर हमें है वो वाक्य सही करना है। यदि सही होगा तो हम वैसे ही वाक्य लिखेंगे, और गलत होगा तो हम वो वाक्य सही करके लिखेंगे। जैसे पहला है, मेरे पास एक बड़ी संदूक है, तो ये गलत वाक्य है, क्योंकि संदूक है वो पुरलिंग है, तो यहाँ बड़ी नहीं आएगा बल्कि बड़ा आएगा। तो वाक्य बनेगा, मेरे पास एक बड़ा संदूक है। दूसरा वाक्य है, मैंने अहमदाबाद से अंबाजी की टिकट ली, तो टिकट है वो पुरलिंग है, इसलिए यहाँ पर का आएगा। और वाक्य बनेगा, मैंने अहमदाबाद से अंबाजी की का टिकट लिया, मैंने अहमदाबाद से अंबाजी का टिकट लिया। तीसरा है, रावण के साथ युद्ध में राम का विजय हुआ, तो विजय है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए वाक्य बनेगा, रावण के साथ युद्ध में राम की विजय हुई। चौथा वाक्य है, मैंने पुस्तक खरीदी, तो मैंने पुस्तक खरीदी वो सही वाक्य है, इसलिए हम सिर्फ सही लिखेंगे। फिर पांच का वाक्य है, रमेश की स्कूल विशाल है, तो
यहाँ की नहीं आएगा क्योंकि स्कूल पुरलिंग है, इसलिए वाक्य बनेगा रमेश का स्कूल विशाल है। फिर 6 नंबर का है आपकी आवाज मधुर है, तो वह सही है। फिर 7 नंबर का होगा रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ी मजा आती है, तो मजा है वो पुरलिंग है, इसलिए हम वाक्य बनेगा रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ा मजा आता है। फिर 8 नंबर का है हमें पौष्टिक खुराक लेना चाहिए, तो खुराक है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए वाक्य बनेगा हमें पौष्टिक खुराक लेनी चाहिए। फिर 9 नंबर का है मैंने एक सुंदर तस्वीर देखा, तो तस्वीर स्त्रीलिंग है, इसलिए वाक्य आएगा मैंने एक सुंदर तस्वीर देखी। फिर है आज भारी बरसात हुआ, तो ये गलत है क्योंकि बरसात वो स्त्रीलिंग है, इसलिए वाक्य बनेगा आज भारी बरसात हुई। आगे का प्रश्न है 4 नंबर का, निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए, तो यह वचन परिवर्तन करना है, यानी एक वचन का बहुवचन और बहुवचन का वाक्य हो तो एक वचन लिखना है। जैसे पहला है लड़के मैदान में खेल रहे हैं, तो बहुवचन है उसका एक वचन होगा लड़का मैदान में खेल रहा है। दूसरा है आकाश में पक्षी उड़ रहे है, तो ये बहुवचन है तो उसका एक वचन होगा आकाश में पक्षी उड़ रहा है। तीसरा है मैंने आज एक व्यक्ति की मदद की, तो ये एक वचन है तो उसका बहुवचन होगा मैंने आज कई व्यक्तियों की मदद की। फिर 4 नंबर का है उद्यान में हरा भरा पेड़ है, तो ये एक वचन है उसका बहुवचन होगा उद्यान में हरे भरे पेड़ है। फिर है 5 नंबर का मेरी किताब वापस दीजिए, तो ये एक वचन है उसका बहुवचन होगा मेरी किताबें वापस दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर अभ्यास खत्म होता है, अगले वीडियो में हम इस पाठ का स्वाध्याय सीखेंगे।